Daddy. Oh, come on, yaar. Come on. It was a great, we had a great time. It was really a pleasure working with her. भाभी जी घर पे आकर अलविदा कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ी गौरी मैम सौम्या टंडन। को-स्टार्स ने गाना गाकर दी विदाई। टीवी अदाकारा सौम्या टंडन ने सीरियल भाभी जी घर पे आकर अलविदा कह दिया। शो में सौम्या टंडन अनीता भाभी के किरदार में नजर आती थी, जिसको गौरी मैम के नाम से भी जाना जाता था। सौम्या टंडन बीते 5 साल से इस शो का हिस्सा थी। ऐसे में अपनी टीम को विदाई देते समय सौम्या टंडन काफी इमोशनल हो गई। सौम्या टंडन को सेट पर रोते देखकर हर कोई हैरान रह गया। सौम्या टंडन ने अपनी पूरी टीम के साथ केक काटा। इस केक पर थैंक यू अनीता भाभी लिखकर टीम ने सौम्या टंडन का आभार व्यक्त किया। केक काटने के बाद सौम्या टंडन पूरी टीम के सामने अपने दिल की बात करती नजर आई। इस दौरान सौम्या टंडन ने बताया कि वो इस शो के सेट और को स्टार्स को बहुत ही मिस करने वाली है। ये बात करते समय सौम्या टंडन की आंखों में आंसू छलक आए। सौम्या टंडन की तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें अपनी टीम के साथ रोती नजर आ रही है। फेयरवेल पार्टी के दौरान सौम्या टंडन अपने शो के सभी कलाकारों के साथ जमकर कैमरे के सामने पोज देती नजर आई। तस्वीरों में सौम्या टंडन की मुस्कान देखते ही बन रही है। और आसिफ जी, मुझे आपके जैसा को एक्टर कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा, इसलिए आपने मुझे बिगाड़ दिया है कि अब मैं जहाँ भी जाऊँ। अपनी फेयरवेल पार्टी में सौम्या टंडन अपने को स्टार आरिफ शेख की जमकर तारीफ करती नजर आई। इस दौरान सौम्या टंडन ने आरिफ को बेस्ट को एक्टर का दर्जा दे डाला। सौम्या टंडन के फेयरवेल पार्टी में उनकी को स्टार शुभांगी अत्रे नजर नहीं आई। ऐसे में शुभांगी अत्रे और सौम्या टंडन की सेट पर मुलाकात नहीं हो सकी। आज सीरियल भाभी जी घर पे के सेट पर सौम्या टंडन का आखिरी दिन था। आज के बाद सौम्या टंडन इस शो का हिस्सा नहीं रहेंगी। गौरी मैम के जाने से पहले मनमोहन तिवारी ने मॉडर्न कॉलोनी के सभी लोगों के साथ सौम्या टंडन के लिए एक गाना भी गाया। अपनी स्पीच में सौम्या ने कहा कि उनके शो के सभी कलाकार शानदार है, सभी ने मिलकर भाभी जी घर पे को सुपरहिट बनाया। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।